रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शुरुआत हो गई है रतलाम जिले के जावरा तहसील के जावरा सिविल हॉस्पिटल की, जहां जिले के मेडिकल कॉलेज से दृश्य दिखाई दिए ठीक वैसे जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर जिंदगी की भीख मांगता मरीज और फिर परिजनों का आक्रोश। आखिर कौन है जिम्मेदार? बिना इलाज के मरते इन लोगों का जैसे की कार में ही दम तोड़ दिया। वृद्ध ने परिजन गांव से इलाज के लिए लाए थे जावरा हॉस्पिटल, डेढ़ घंटे तक कार में ही इंतजार किया। डॉक्टर का समय पर इलाज न मिलने से तोड़ा वृद्ध ने दम, तो परिजनों ने हंगामा किया है। कोविड प्रोटोकॉल में अंतिम संस्कार ना हो इसलिए लाश गांव लेके गए। मैं गांव रोजाना रहता हूं और मैं हरियाखेड़ा आया था। ये मेरे मासा जी बीमार हो गए थे, अचानक इनकी, इनका नाम है ओंकार लाल जी, पिताजी का कन्हैया लाल जी और इनकी उम्र 60 साल है। क्या समस्या हुई थी इनको? इनको मतलब कुछ बुखार सा आ रहा था थोड़ा बहुत, और उसके बाद सांस चलने लगी इनकी, और फिर हम यहाँ डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल जावरा लेके आए। ठीक है, यहाँ आए 2 बजे हम, और यहाँ प्रवेश अंदर नहीं दिया, और हमने गाड़ी बाहर खड़ी करी और अंदर से पर्ची बनवाई। पर्ची बनवाने के बाद फिर डॉक्टर साहब का बोला उन्होंने कि डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर के साहब के पास गए अंदर तो कि अभी डॉक्टर नहीं है, कब तक आएंगे? तो कि 10 मिनट रुको। 10 मिनट रुके, उसके बाद भी मतलब वो आधा घंटे से नहीं आए। आधा घंटा हम अंदर गए तो कि डॉक्टर है नहीं अभी, ऐसा मना किया। SDM साहब के नंबर कहीं से हमें मिले थे बाहर पर, और खड़े थे तो उन्होंने नंबर लिए और SDM साहब को भी हमने अवगत कराया। उन्होंने किया कि चलो मैं अभी करता हूँ कुछ, अभी आते हैं डॉक्टर आएंगे। अब कैसे हैं आपके पेशेंट, हालत में सुधार है? पेशेंट की बाहर डेथ हो गई है सर, तड़प तड़प कर ही डेथ हो गई है।